हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं डॉक्टर इंद्रेश यादव। कुछ दिनों से मेरा वीडियो आप लोगों के समक्ष नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने कहा कि रेगुलर वीडियो आने चाहिए। मैं इसी बीच जयपुर गया था और हमारे इस ऑनलाइन चैनल के चेयरमैन दुर्गेश जी ने तत्काल ही मुझे जो है प्लेन के टिकट से यहाँ पे आप लोगों के समक्ष बुलवाया है और मैं आज सीटेट में आपको स्पेशल एक ऐसे विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ जो प्रायः टेट हो या सीटेट हो इससे प्रश्न अक्सर आते हैं और हमारे जो गद्यांश होते हैं, पद्यांश होते हैं या हमारे ये जो शिक्षण विधि है उन सब में भी इन उपसर्ग शब्द जो होता है, ये शिक्षण विधि हो या हमारे गद्यांश पद्यांश, सर्वत्र आते हैं। तो इसी को ध्यान में रख के मैंने आप लोगों के साथ ये विचार किया कि हम आपको उपसर्ग क्या होता है और ये किस तरह से हमारे संस्कृत साहित्य में कार्य करते हैं और ये किस तरह से शब्द के अर्थों को धातु के पहले लग करके उसके अर्थों को पूरी तरह से बदल देते हैं, उस विषय में आज हम आप लोगों से बात करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि ये उपसर्ग हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। तो ये संस्कृत व्याकरणे उपसर्गाः द्वाविंशति भवन्ति। संस्कृत व्याकरणे, संस्कृत व्याकरण में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। इसलिए अस्माकं या प्राचीनतमा भाषा वर्तते तेषां मध्ये यत् किमपि नूतनम् अर्थम् आगच्छति ये धात्वर्था सन्ति तेषां पूर्वे आगत्य ये अर्थम् परिवर्तनम् कुर्वन्ति। मतलब क्या है कि ये जो उपसर्ग होते हैं ये उप उपसर्ग और सृज धातु घय प्रत्यय से बने हुए हैं, इसलिए कहा जाता है इनका विधायक सूत्र है, उपसर्गों का विधान करने वाला सूत्र ही होता है उपसर्गाह क्रिया योगे। अर्थात ये उपसर्ग जो होते हैं किसी क्रिया अर्थात उपसर्ग किसी शब्द या धातु का ही अर्थ क्या होता है क्रिया के पूर्व जुड़ करके नवीन अर्थ में बदल देते हैं, यानी कोई भी शब्द हो उसके पहले ये जुड़ते हैं और उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं, उसमें एक नवीन चमत्कारिक अर्थ को हमारे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो अब देखते हैं हम जैसे ये वो कौन से शब्द हैं कि वो किसी धातु के पहले लग करके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं ह्री धातु अस्ति, ह्री धातु अस्ति, ह्री धातु, ह्री धातु से अर्थ अस्ति चुराना, चोरयति। ह्री धातु का क्या अर्थ है? चुराना, चुराता है। च यदा ह्री धातु धात्वर्थस्य पूर्वे यत् किमपि उपसर्गम् आगच्छति तस्य अर्थं किं भविष्यति अस्य उपरि अग्रे विवरणम् अत्र पाठयामि अहम्। तर्हि पश्यतु किमस्ति ह्री धातु, ह्री धातु का रूप होता है हरति, हरति का क्या अर्थ होता है? चुराता है, चुराता है। परंतु इस हरति शब्द के पहले अगर प्रहरति, प्र उपसर्ग लगा दिया तो यहाँ पे अर्थ हमारा बदल जाता है। प्रहरति का अर्थ होता है प्रहार करना, यानी हरति यहाँ भी है परंतु इसमें क्या लगा है? उपसर्ग शब्द पहले आ गया, प्र उपसर्ग। तो पूरी तरह से जो हरति चुराता है इस अर्थ में था वही हरति के पहले ये प्र उपसर्ग आने पर ये प्रहार करने अर्थ में बदल जाता है। तो अहम किम कथयामि उपसर्ग किम अस्ति, यत् किमपि धातु शब्द रूपम अस्ति या धातु अस्ति क्रिया अस्ति तस्य पूर्वे यदि आगच्छति तर्हि तस्य अर्थम किम अस्ति परिवर्तनम जायते, उसका अर्थ बदल जाता है यदि किसी क्रिया के पहले ये उपसर्ग लगते हैं। अग्रे पश्यतु आहरति, आंद उपसर्ग अस्ति तर्हि पूर्वे किम अस्ति आहरति, यानी भोजन करता है, यानी जो हरति वहां चुराने प्रहार करने अर्थ में आ रहा था प्र उपसर्ग लगने पर उसी हरत में यदि आ उपसर्ग लगा दिया आंग उपसर्ग तो उसका अर्थ बदल के हो जाता है भोजन करना। और अब इसी में अगर हमने उप उपसर्ग लगा दिया तो बनता है उपहरत, यानी भेंट देता है, हम किसी को कुछ उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो ये यानी हरत ही शब्द है लेकिन ऐसे उपसर्ग आने पे अर्थ पूरी तरह से बदल जाते हैं। अग्रे अस्ति बिहरति, बिहरति की अस्ति भ्रमणम करोति, भ्रमण करता, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए होता है।
अग्रे की मस्ती संहरति, संहरति की मस्ती सम उपसर्ग है और यहाँ पे हरति शब्द यानी जो चुराना था चुराता है, संहरति का अर्थ क्या हो गया, संहार करता है, विनाश करता है, समाप्त करता। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यानी ये जो उपसर्ग है ये क्या करते हैं, पूरी तरह से शब्द के अर्थों को बदल देते हैं और किसी भी धातु और किसी भी क्रिया के पहले लग करके, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं और ये उदाहरण से पता चलता है। अब हम देखते हैं ये उपसर्ग होते कितने हैं, इसके विषय में बात करते हैं। तो संस्कृत व्याकरण द्वाविंशति उपसर्गा भवन्ति, संस्कृत व्याकरण में 22 उपसर्ग होते हैं। तेषां नामानि इत्थमस्ति, उनके नाम इस प्रकार है। अहम अत्र पश्यतु, अत्र की मस्ती अग्रे प्रथमे अस्ति उपसर्ग शब्दे प्र उपसर्ग, किमस्ति प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर बि आंग नि अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप एते प्रादेय। मतलब ये जो अभी अभी हमने आपको जिन नामों को बताया है, संप्रति अहम ये प्र परा उप एते उपसर्गा अहम भवद्भि समक्षे पठितवान सयो उपसर्गे एते यो उपसर्गा किमस्ति ये क्रिया सन्ति तेषां अग्रे आगच्छन्ति और तस्य अर्थं परिवर्तनं कुर्वन्ति, उसके अर्थ को बदलते हैं। तो हम देखते हैं ये क्या ये उपसर्ग हमारे जो गद्यांश पद्यांश है उसमें आते तो हैं, लेकिन किस तरह से उसके अर्थ को बदलते हैं, इसमें से परीक्षा में तो सभी उपसर्गों को आप आसानी से समझ सकते हैं और सामने से उसके अर्थों को बता सकते हैं, परंतु इसमें कुछ ऐसे 4-5 उपसर्ग हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं, जो हम वाक्यों में शब्दों में पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए हम देखते हैं वो कौन से उपसर्ग हैं। तो ये आता है सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग की मस्ती अत्र पश्यतु संस्कार शब्द अस्ति, संस्कार है अत्र अस्ति संस्कार है, तरी अस्विन पदे किम उपसर्गम अस्ति, इस पद में कौन सा उपसर्ग है, यानी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब तो यहाँ कुत किम अस्ति स अस्ति अनुस्वार अस्ति, तो यहाँ पे मैं क्यों अनुस्वार हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे क्लियर रूप में सम शब्द ऐसा नहीं लिखा गया है। हमारी आपकी समस्या यही है, यहाँ उसने अगर सम लिखा नहीं है तो कैसे मैं मान लू। तो यहाँ पे मैं को क्या हुआ है, अनुस्वार हुआ है, जहां भी अनुस्वार हुआ हो इस तरह के स के बाद इस तरह के चिन्ह हो यानी अनुस्वार हो तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि वहां पे कौन सा उपसर्ग होगा, सम उपसर्ग होगा। इस तरह से परीक्षाओं में रहते हैं और इस आधार पे हमें उसके अर्थों को निकालना होता है, विशेष रूप से सीटेट और टेट में जो है। और अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग की वजह से अत्र पश्चित अध्यादेश शब्द अस्ति, अत्र अस्ति अध्यादेश और अस्मिन पदे की मस्ती उपसर्ग अधि उपसर्ग अस्ति, अधि उपसर्ग है लेकिन यहाँ पे यण संधि हुई है, अधि उपसर्ग के साथ है यहाँ पे यण संधि हुई है, यानी क्या है, ई के बाद यदि असमान स्वर हो तो ई को यह होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है अध्यादेश में यण संधि होकर के, इसलिए यहाँ उपसर्ग दिखाई नहीं दे रहा, होता तो अधि है और यहाँ पे लिखा है अध्यादेश। इसी तरह से अध्ययन शब्द है, अध्ययनम करोति या सह अध्ययनम करोति, अध्ययनम करोति तरी अस्मिन पदे की मस्ती उपसर्गम, अत्रापि की मस्ती अधि उपसर्ग अस्ति, अधि अयन अधि अयन अत्रापि यण संधि भूत्वा अधि उपसर्ग संधि। तो इसी तरह से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अधि जो उपसर्ग है इसमें संधि होकर के उपसर्ग बनते हैं जो है, तो आपको शब्दों में खोजना कठिन हो सकता। इसी तरह से स्वागतम शब्द अस्ति, स्वागतम शब्द अत्र अस्ति किम स्व, परीक्षायां मध्ये आगच्छति अस्मिन् पदे उपसर्गम किम अस्ति, स्व उपसर्ग अस्ति स अस्ति सु अस्ति, तरी क्या है यहाँ पे सु उपसर्ग है, यहाँ पे भी यण संधि हुई है, उ को क्या हुआ है उ को वह हुआ है, इसलिए यहाँ पे यण संधि होकर के स्वागतम शब्द बना है, यहाँ पे हमें पहचानना कठिन हो रहा है। इसी तरह से स्वच्छ में भी सु उपसर्ग है, अग्रे अस्ति प्रति उपसर्ग अस्ति प्रत्येक, यहाँ पे भी प्रतिधन एक प्रत्येक यण संधि हो करके यहाँ पे उपसर्ग हुआ है। तो प्रत्यक्ष शब्द देखिए, यहाँ पे प्रति शब्द कहीं नहीं है,
लेकिन हमको आपको क्या करना है, जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे यहाँ लिखेंगे क्या प्रतिधन अक्ष। तो देखिए ई के बाद असमान स्वर है तो ई को यह हो जाएगा, यानी अब इन शब्दों में हमें उपसर्ग खोजने के लिए संधि विच्छेद करना होगा, उसके पश्चात ही मैं उपसर्ग बता सकता हूँ। इसी तरह से परि उपसर्ग है जो जहाँ समस्या होती है, जैसे आप कहते हो पर्यावरणम, यहाँ परि शब्द नहीं लिखा, लेकिन जैसे ही संधि विच्छेद करते हैं हम तो क्या हो जाता है परिधन आवरणम। परि का मतलब होता है यहाँ पे, परि उपसर्ग का अर्थ है चारों तरफ होता है, यानी पर्यावरण पर्यावरण के लिए अक्सर लोग व्याख्या करते हैं कि जो चारों तरफ से ढका हो और जिसके बारे में हमको बताना हो, जिसको ठीक करना हो, उसको कैसे अच्छा रखेंगे कैसे नहीं रखेंगे, तो ये क्या अर्थ कैसे निकलता है पर्यावरण का इस परि उपसर्ग से। यहाँ पे पर्यावरण में परि कहीं नहीं लिखा, यहाँ लिखा है पर्यावरण, लेकिन अब इसमें उपसर्ग पूछ देगा तो आप परेशान हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी संधि हुई है परिधन आवरण पर्यावरणम। इसी तरह से उद उपसर्ग है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, दे दिया उल्लेख शब्द आता है, बोलेगा इस प्रश्न पेपर में प्रश्न आता है कि उल्लेख पदे किम है उपसर्गः उपसर्ग अस्ति, उल्लेख पद में कौन सा उपसर्ग है, तरकीम अस्ति उद अस्ति, उद धन लेख है उल्लेख है। इस तरह से इसमें से ये चार पांच हमारे प्रसिद्ध उपसर्ग हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे आपके सामने आते हैं, तो इन उपसर्गों को आप स्मरण करिए और इन पांच छह उपसर्गों का आप अभ्यास करिए, और सभी के सभी उपसर्ग प्रायः जैसे आपके ये नीर हो, दूस हो, अति हो, अति हो, ये ठीक ऐसे ही शब्द के शब्द वो आ जाते हैं, जैसे ये हैं वैसे आते हैं, यहाँ आसानी नहीं होती। तो ये हमारे 22 उपसर्ग थे जिसको हम आप लोग अभी पढ़ रहे थे, आप लोग इनको पढ़िए और देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और धन्यवाद।